प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि कोटा नगर की स्थापना माँ चर्मण्यवती की गोद में हुई और चंबल के आशीर्वाद से ही कोटा इतना फला फूला है। चंबल का पानी कोटा के लिए वरदान स्वरूप है। इसके पानी से ही कोटावासियों का भरण पोषण होता है। इस सदा नीरा पानी की बदौलत ही कोटा एक समय में औद्योगिक नगरी बना और आज भी संभाग के बड़े हिस्से में फसलें लहला रही हैं। आज देश और दुनिया में कोचिंग के लिए विख्यात कोटा की आबो हवा भी चंबल की ही देन है, लेकिन इसके अलावा भी चंबल की कई ऐसी सौगातें हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं गया। आज भी चंबल नदी की अपस्ट्रीम अपेक्षा की शिकार है। विकास की अपार संभावनाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका है। इसके अपस्ट्रीम में धार्मिक पुरातत्व एवं पर्यावरणीय महत्व के अनेक स्थान हैं। चंबल गार्डन, गांधी उद्यान, ट्रैफिक गार्डन, मौजी बाबा की गुफा, भित्रिया कुंड, गोदावरी धाम, डियर पार्क एवं चंबल के मध्य स्थित द्वीप पर वन्य पशुओं के साथ चंबल नदी का विहंगम दृश्य लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे में यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है। यदि नदी के उपरोक्त